सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो सीधा मेरे कॉलेज से हो रहा है। और आने का भाई रुक जाओ, मैं बताने दो जरा, तुम ठीक है ये बहुत नहीं। और आने का जो पर्पस ये है कि भाई आज है हमारे एग्ज़ाम, ठीक है, एमटेक फाइनल ईयर का फाइनल एग्ज़ाम है मेरा। और अभी मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ कौन है। ये तो तुम्हें पिछले व्लॉग में तुमने देखा होगा, इसको इसको दोनों को देखा है भाई, इसको भी देखा होगा, ठीक है। बट अभी हमारे साथ एक हैं जो एमटेक की फैकल्टी बनने वाले हैं, वो हैं हमारे दीपक भाई। ये भाई क्या बोल रहे हैं, कैसे हो दीपक भाई? मैं बढ़िया दीपक भाई। हेलो, और कैसा रहा आपका सफ़र ग्राफिक राइट डीम्ड में? देखो, कठिन सफ़र करने के बाद ही अच्छी मंजिलें हासिल होती हैं। हाँ, आप क्या बोलना चाहोगे दूसरों को, लेना चाहिए एडमिशन? क्या एडमिशन बिल्कुल लेना चाहिए ग्राफिक करा में, एडमिशन बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है और जो पढ़ाई का माहौल है, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सेटिस्फाई कर देगा तुम्हें। मतलब और आपकी ब्रांच क्या थी? किसमें? बीटेक में। बीटेक में हमारी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और हमने अब एमटेक में सीएस चेंज कर रहा है। नहीं, क्या क्या बोल रहे भाई? ये पहले इन्होंने ईसी ली, अब फिर सीएस ली मैकेनिकल। उसके बाद जब पीसी के लिए इनका नाम जा रखा है, पीसी बनेंगे अभी आगे बस दो अच्छा बीसी तो नहीं पर ये, हाँ ये फैकल्टी बनने का, वही फैकल्टी बनना है यहाँ बन जाएंगे। तो आने वाले व्लॉग में अगर तुम्हें ये यहाँ पे दिखता है फैकल्टी, और अगर तुम बोलते हो कि हम लायन अतुल के सब्सक्राइबर है, तो तुम्हारी कुटाई होगी तगड़ी। सेशनल में पूरे 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे, पूरे 5 मार्क एक्स्ट्रा देगा। वैसे बन जाएगा, बोल रहा था अभी, इतने बातचीत हो रही थी कॉलेज की उससे। तो फाइनली जो मेरा वो था क्या, वाइवा पूरा हो चुका। और मैं बता रहा पूरी क्लास में सबसे थके हुए क्वेश्चन मुझसे ही पूछे, पता नहीं क्यों भाई, मेरी शक्ल में ऐसा लग रहा था इसका कुछ नहीं आता। तो मुझसे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे मैंने बता दिया था थोड़े, मतलब 60-70% बताकर आ गया था, बाकी तो तुम्हें पता ही है हम पढ़ते नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें अभी नए दोस्त से मिलाता हूँ अपने, जिससे मेरी फर्स्ट ईयर में लड़ाई हुई थी। और तुम्हारे साथ भी ऐसा सिनेरियो होगा कि जो तुम्हारी जिससे लड़ाई होगी वो लास्ट में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, एक तरफ से बहुत खास दोस्त। और ये मेरे सारे व्लॉग देखता है भाई, और रोज़ मेरे को फोटो भेजता है व्हाट्सएप कि भाई आज व्लॉग में ये, आज व्लॉग में ये, तो मिलवाता तुम्हें। ये रे हमारे भाई, ये बाबा क्या हाल है तुम्हारे भाई? बाबा बढ़िया यार भाई, बता, वो लड़ाई नहीं थी भाई, वो था दोस्ती का पहला प्यार। हाँ, स्टार्टिंग उन लोगों के साथ है वही, और वो सब लोग दोस्ती स्टार्ट हुई है, और आज तक भाई बेस्ट फ्रेंड है भाई। अब तो भाई अब इसका हर व्लॉग देखता हूँ भाई मैं। ये है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि व्लॉग नहीं देखता, पर ये देखता, रोज फोटो भेजेगा, रोज वीडियो देखेगा भाई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बाकी ये हमारे सरकार भाई हैं, और रोज कमेंट करता हूँ भैया लाइव स्ट्रीम में जाके, ठीक है भाई। और ये, हाँ ये मेरे दूसरे चैनल में एक्टिव रहता है। और क्या बोलते हैं अपना, ये बताओ प्लेसमेंट होगी तुम्हारी? ये बताओ प्लेसमेंट हो गई है, प्लेसमेंट हो चुकी, किस में हुई है? इन्फोसिस भैया। इन्फोसिस में? जी सर, एक बार पूछ लिया वीडियो, एक और ऐसे वाले भी देख लेना, वो उसमें भी है, उसमें भी थी। आप इसमें, आपने क्या चूज़ किया? मैंने सोचा कि जाता हूँ कंपनी में बढ़िया करके। और तैयारी कैसे करी थी? तैयारी ऐसे कोई खास नहीं थी, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल पढ़ के जाओ, अपना एप्टीट्यूड वगैरह सही कर लो, और सूडो कोड्स आते हैं उसमें। हाँ, सूडो कोड को अच्छे से पढ़ो उसको थोड़ा सा, समझ लो, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इंटरव्यू एकदम बढ़िया होता है, एकदम आपको वैसे एकदम स्मूथ फील होगा, एकदम सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, कूल। बाबा तुम्हारा? बाबा कॉग्निजेंट और सीमेंस में प्लेस्ड हैं, दोनों कंपनी में, ग्राफिक एरर रॉक्स। ओ भाई, अच्छा पैकेज क्या लगा रखा है भाई? देखो सीमेंस में लगा है 12 लाख का। हाँ, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं पूरा जॉइनिंग का। हाँ, और ये लगा है कॉग्निजेंट में 4.2 का। अच्छा, तो जाना किस में? 12 लाख वाली में जाएंगे भाई यार, जाएंगे। क्या बात है। और क्या तैयारी क्या करी थी? यार तैयारी कुछ नहीं किए थे, नॉर्मल कोडिंग वगैरह पे ध्यान दो पहले, तो अपना जो अपना बेस है बेस ठीक करो सबसे पहले बैठ के। हाँ, फिर सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कि यार जो तुम टॉपिक बोल रहे हो ना, SQL वगैरह बोल रहे हो, या फिर तुम अपना CV बोल रहे हो, उसके कॉमन टॉपिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन 40 गूगल पे देख के सर्च करके पढ़ लो पहले तो उसको, बस उससे हो जाएगा तुम्हारा। बाकी और जो कोडिंग का पेपर हुआ था उसका? देख कोडिंग में, देख तुम्हें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोडिंग में तुम्हें सिनेरियो बनाने कैसे हैं, एक केस, दो केस, तीन केस, अगर तुम ये बनाना सीख गए हो तो कोडिंग का क्वेश्चन तुम लोग निकाल लोगे, बस खत्म, सिंपल सी बात है, बस सिंपल हो जाएगा ये, ऐसा नहीं है। बाकी क्या सजेशन दोगे सबको? हुआ नहीं है, सब लोग निकाल लोगे बस बैठ के। जो अभी ज्वाइन कर रहा होगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर में होंगे बच्चे, उनको क्या सजेशन दोगे? यार दो फर्स्ट ईयर वालों को मैं ये बोलूँगा, यार कॉलेज में आयो, पढ़ाई करो, चिल करो, लेकिन मेन चीज़ है यार थोड़ा सेंसिबल से अपना काम जरूर करो भाई बैठ के, कॉलेज में जिस काम के लिए आयो वो काम जरूर करना। और कॉलेज चिल करने के लिए, इसके बाद नहीं नहीं भाई, चिल के साथ भाई, इसने चिल किया, चिल के साथ प्लेसमेंट निकाली, इसने पढ़ाई भी करी और चिल भी किया, दोनों चीज़ करना। और थोड़ा बहुत इस शाम को 15 मिनट पढ़ लेना रोज, 15 बहुत सब पे करना भाई। और
खास तौर से अतुल भाई का ब्लॉग जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं करोगे आगे सजेशन दूंगा भी नहीं भाई मैं। अभी फिलहाल तुमने इसका तो देख लिया था, इसका मैंने जो पूछा था ये कहाँ का काम कर रहा है, बाकी अभी इसका पूछना बाकी है। तो पहले हम इडली खाएंगे यार। आप लोग अब कितने बार पूछोगे, बट उस टाइम ये प्लेस्ड नहीं था, अभी ये प्लेस्ड है और कितने पैकेज में तुम्हें बताऊंगा, बट पहले इडली खा लेते। ये हमारे भैया जो हमारे इडली बनाएंगे बढ़िया बढ़िया। ये रही यहाँ पे इडली, एक स्माइल कर दो भैया आप। देखो गाइस, ये बातों में इतना मगन हो गया बैग लेना ही भूल गया। देखा बड़ा गंदा बच्चा है सही में। कैमरा पकड़ने का स्टाइल देखना उसका, पूरा लग रहा है वो न्यू ब्लॉगर। अबे वो लग रहा है वो ऐसे वाला न्यू ब्लॉगर लग रहा है, न्यू ब्लॉगर। यू आर कैप्चर्ड ब्रो। ये रहा आप लोगों का कौन सा ब्लॉग है, सीएसआईटी ब्लॉग है वाला। ये रहा सीएसआईटी और यहाँ पे सिर्फ होती पढ़ाई। यहाँ पर एक वो भी लगा हुआ है, आई लव गेहूं करके लिखा हुआ है। और अब मैं बात करता हूँ सिद्धांत से। सिद्धांत भैया आ जाओ, ठीक है। पिछले व्लॉग में इनने हमको बहुत ज़्यादा व्यूज खिलाए थे, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा भी था। सिद्धांत भैया पिछली बार कौन सी कंपनी बता रहे थे आप? ज़ेडएस एसोसिएट्स है भाई, अभी भी वही है। और उसमें कितने का प्लेसमेंट हुआ है? 14 लाख। 14 लाख रुपये का प्लेसमेंट हुआ। स्क्रीन पर फोटो दे देना मुझे, ठीक है, जो होगी बिल्कुल ठीक है। बाकी कैसे करा आपने, कैसे करा? पिछली वीडियो में बताया डीएसए और डीएसए, जिंदगी जीने के तीन तरीके हैं। नहीं, फिल्म तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट। राउंड कितने थे? राउंड कितने थे उसके? और हमारा प्लेसमेंट केवल तीन चीजों से होता है, डीएसए। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना था। और राउंड कितने थे? ZS के एक रिटर्न था शायद, उसके बाद प्रोग्रामिंग का राउंड था और दो उसके इंटरव्यू के राउंड थे। टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। तो फिर आपका कैसा रहा था राउंड, कितने कितने घंटे के हुए? मेरे 1.5 घंटे के हुए दोनों। एक राउंड? हाँ, पर राउंड मतलब 3 घंटे के इंटरव्यू थे टोटल। ये देखो हमारे अंकल जी जो पिछली बार आपको मिले थे, और ये हमारे अंकल जी हंसते नहीं जो कभी हंस, तो आज हंस जाओ, आज के व्लॉग में हंस जाओ आप, आज के व्लॉग में हंस जाओ। ये स्माइल तो आ गई है। अब मेरे को पहचान लेना, आपने पहचान लिया ना? अब आई कार्ड मत मांगना मुझसे, आई कार्ड तो मांगना पड़ेगा। बीच बीच में मांगना पड़ेगा, दो दिन में मेहमान है उसका, जा रहे हैं। कलर पर चलो, ठीक कलर पर छोड़ कर दीजिए, ठीक है। पूछेंगे फिर कल, नहीं पूछेंगे ठीक है, कल आएंगे नहीं, खत्म है उसके बाद हम जा रहे हैं फिर हम। ठीक है अंकल जी, बाय बाय। तो ये हमारे अंकल जी थे, जो हमारे गार्ड अंकल जी, काफ़ी हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं एकदम, और कुछ कुछ बच्चों के साथ नहीं भी रहते हैं भाई, जो जैसा बिहेव करेगा उसके साथ वैसा रहेगा। मेरी गाड़ी कहाँ रखी भाई? अच्छा, बोरी आ गए। तो अब निकलते हैं घर की तरफ। बाकी तुम्हें मैंने आज बताई दिया प्लेसमेंट का सिनेरियो की, जो जो मेरे दोस्त थे मोस्ट, मेरा सारे प्लेस हो चुके हैं, बाकी मेरे को छोड़ के अगर मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई है तो मेरे पीछे कुछ और रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न, वो तुम्हें आने वाले टाइमों में दिख जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं घर और इसको रखते हैं कैमरे को बैग में। अभी हम कॉलेज से घर आया था, उसके बाद मेरी जो फाइल थी वो मैंने बताया था मैं चेक होने की जा रही थी, तो चेक होने के लिए आ गई। और चेक होने के बाद मैं सबसे पहले किसको दिन आया, मैंने सिद्धू भाई इसको देख लो और इसको करवा दो आज इसका कंप्लीट, क्योंकि एक बार ये चेक होकर दोबारा सही होगी। दिखा दो एक बार, पहला पेज दिखा दो, पहला पेज दिखाओ। देखिए भाई लोगों, क्या शानदार शानदार पहला पेज दिखाओ। बंदे ने नाम तक अपना सही नहीं लिखा है, अतुल जदली को अतुल जल्दी लिखा है भाई। दूसरा पेज दिखा, इनको डराता हूँ मैं, चिट्ठी लिख के दी है पूरी, पूरा लव लेटर है, पूरा लव लेटर रेड रेड मार रखा पूरा। और इसको अपने गाइड का नाम, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट देखो भाई का, पूरे 3 लाइन का एब्स्ट्रैक्ट है, आपने गाइड का नाम भी बंदे ने कुछ और ही लिखा है। ओके नाइस नाइस, आगे आगे। और ये देखिए सब एक ही में घुसेड़ दिया है, सीरियल नंबर कहीं नहीं पड़ा है, कोई नहीं सिद्धू भाई है हमारे। तो इसे मैंने दे दिया चेक करवाने के लिए, अभी चेक करा के इसकी सॉफ्ट कॉपी कल मेरे को देनी है। फेल होगा तू? हाँ तो हाँ तो उनने सर ने लिखा हो ना वो भी, तो अभी ये देखेगा ये करवाएगा, फिर इसका सीन होगा जैसा भी ये देखेगा। तो भाई ये थी प्लेसमेंट की सीरीज, जो मेरे साथ के लड़के थे जो प्लेस हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं बट उनसे मेरी बात नहीं होती क्योंकि एमटेक था मेरा, और एमटेक में क्या होता हमारा जो कोविड में स्टार्ट हुआ था, तो मेरी इतनी सबसे ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, बट ये मेरे जो दोस्त थे जो मेरे बीटेक में भी थे एमटेक में भी थे मेरे साथ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मैक्सिमम सबकी हो रही प्लेसमेंट, और जिसकी नहीं उनका कुछ ना कुछ रीज़न है, किसी का कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब जैसे आप मेरे को देख रहे हो मैंने अपना शुरू कर लिया है,
और मेरे जो मेरी क्लास में कम से कम 3 बंदे और हैं जिनका अपना स्टार्टअप और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अगर होप्सो अगर मेरी उनसे बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उनका। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आया हूँ छत पर और मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा Q&A वगैरह कर लें जो तुम क्वेश्चन रहते रिगार्डिंग तुम्हारे। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्रदर, मेरे पहले BBA सीट बुक करवा दी थी डीम्ड में, पर कल जाके BCA करवा दूंगा भाई, हो जाएगा ना? 85% है भाई 12th में, BCA में हाँ आराम से हो जाएगा। तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर जब तक रहता है ना, मतलब 6 महीने तक, जैसे तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया 6 महीने तक तुम अपनी सीट चेंज करा सकते हो, मतलब किसी भी कोर्स में जा सकते हो अगर तुम उसके लिए एलिजिबल हो। लाइक तुम्हारी स्ट्रीम होनी चाहिए, लाइक तुम PCM से हो तो तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो और बाकी कोर्सेज में भी जा सकते हो, बट ऐसे नहीं कॉमर्स वाला जा रहा। सोनाली यूनिवर्सिटी में BCA का एडमिशन BCA एडमिशन भी लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है क्या? अच्छा, परसेंटेज क्राइटेरिया पूछ रही है सोनाली कि BCA के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया? हाँ, परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं, बट मेन चीज़ होती है कि BCA में इतने एडमिशन नहीं आते जितने BTech में आते, तो अगर आपके 60 या 65 भी है तो वो दे देंगे आपको एडमिशन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नहीं देते तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और वैसे जो बोल रहे हैं कि 75% मांग रहे हैं डीम्ड में BCA के लिए, बट बोलने वाली बात होती है दे देते हैं लास्ट में। अभी ये समझो अगर इस साल बच्चे बहुत ज़्यादा आगे BCA के लिए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो क्राइटेरिया वाला सिस्टम रख देंगे जो उन्होंने वेबसाइट में दिया होगा, अगर आप लोग देख लेना भाई। 79% है 12th में CSE कोर मिलेगा डीम में, प्लीज टेल मिल जाएगा। 1% ही कम है क्योंकि 80% मांग रहे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बोल देना कि मेरी इसलिए कम होगी, जो भी हो सकता है। ठीक है भाई, CS नहीं है 12th में, यहाँ बेसिक्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत लोग हैं जिनकी CS नहीं थी, और इनफैक्ट मैं भी ऐसा बनता हूँ जिसकी 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, मतलब मैं 12th तक कोडिंग को टच तक नहीं किया, तो मैं कॉलेज आया, कॉलेज में बिल्कुल मतलब ये पढ़ेंगे तुम्हें व्हाट इज़ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग इतना बेसिक करवा देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, बट तुमको 6 महीने में वो इतना वेल ट्रेन कर देंगे, तुम आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट जो मेरा दोस्त था ना अभी, जिसका 14 लाख का प्लेसमेंट लगा, तुम देख रहे होंगे, उसकी खुद 12th में कंप्यूटर नहीं थी। आप सोच लो, वो MTech कर रहा है कंप्यूटर से, उसने BTech में भी प्लेसमेंट उठाई, MTech में उठाई, सोच लो आप, है ना भाई। BCA में प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल होती है भाई, कंप्यूटर साइंस में सबकी प्लेसमेंट होती है। अब कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ मत पूछना, BTech BCA कोई भी कोर्स है, इनके लिए कंपनी आती है। ठीक है, मेरी PCA में 86% है तो मिल जाएगा आराम से सुनील भाई। 65% जो मांग रहे हैं वो ओनली PCA में टॉप 5 सब्जेक्ट मिला के हैं। हाँ, जो 65% का क्राइटेरिया मैंने तुम लोगों को बताया कि कोई भी कंपनी आती है उनका 60 और 65% का क्राइटेरिया रहता है, मेरे टाइम में 60 का था, और अभी भी बहुत सारी कंपनी जो 65% मांगती है 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, थ्रू आउट, तो अभी इनको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा कि PCM का मांग रही है या ओवरऑल मांग रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल सब्जेक्ट होंगे उनका मांग रही है कंपनी, ना कि PCM का। मैंने पहले भी बोला है ब्लॉग में कि कुछ कंपनियां मांगती है PCM के लिए, सारी नहीं मांगती, कुछ 1% कंपनी आती हैं जो भाई। ये BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स कैसा है ग्राफिक डीम में, और नॉर्मल CSE ज़्यादा बेटर विद स्पेशलाइजेशन CSE है ना? देखो, नॉर्मल तो ऑलवेज बेटर है, देखो नॉर्मल पढ़ लो, बट अगर तुम्हें तुम्हारा एक माइंडसेट है कि भाई मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ अच्छा करना है, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, मतलब कोई भी आती है, मतलब बाकी जितने भी CSE ब्रांच है वो आती है, तो तुम उसमें चले जाओ डेफिनेटली, बट नॉर्मल तो ऑब्वियसली बात है तुम हर जगह उसमें कर सकते हो। न्यू सेशन स्टार्ट होगा सितंबर से, होगा भाई फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से। हिल में BTech की टोटल फीस मैंने बता दिया 7-8 लाख रुपये। हाँ, एक और मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि भाई यूनिफॉर्म कौन से परचेस करनी है डीम्ड की। देखो भाई, कॉलेज से अगर तुम परचेस करते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, मैं आपको बता दूँ 10 से 12 हज़ार की मेरे टाइम पे थी, अभी ये 15 हज़ार होगी मे बी, है ना? और अगर आप बाहर से लोगे तो मैंने उस टाइम 4 हज़ार में ली थी, और अभी हो गई होगी 5-6 हज़ार रुपये की, तो आप बाहर से ले सकते हो यूनिफॉर्म, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज से कंपलसरी लेनी नहीं है। अगर कॉलेज से लोगे तो महंगी पड़ती है, अब कॉलेज से महंगी पड़ रही है, बाहर से सस्ती क्यों पड़ रही है, मैं पहली बार बता दूँ। थोड़ा सा बाहर में जो होता है कपड़े का डिफरेंस रहता है, प्लस बाहर में तुम्हें इतनी एसेसरीज नहीं मिलती, जैसे कॉलेज में तुम्हें आई थिंक बैग मिलता है, शूज़ मिलता है, हुड, पता नहीं बहुत सारी टोपी कैप ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो तुम कभी यूज़ ही नहीं करोगे। ठीक है, और बेल्ट मिलती है, वो बेल्ट ऐसी होती है कि तुम पहनोगे ही नहीं उसको, और मतलब ऐसी बेल्ट होती है तुम उसको मतलब कॉलेज में ही पहनोगे, बाहर तुम शादीशुदी में पहनोगे नहीं कभी, मतलब फॉर्मल उस टाइप की नहीं होती जिस टाइप की तुम सोच रहे हो। ठीक है, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा बोलूँगा बाहर से बना लो, क्योंकि मैंने खुद बाहर से बनाई थी और अच्छा खासा मैंने 4 साल चला था, मैंने 2 जोड़ी सिलवाए थे, बहुत सही चले थे मेरे कपड़े। अतुल भाई, CSE फीस स्ट्रक्चर बता दो प्लीज़। CSE का फीस स्ट्रक्चर, हाँ मेरे को ना आज इंस्टाग्राम में भी एक लड़की का मैसेज आया था, उसने मेरे को पूछा था कि कुछ CSE का फीस स्ट्रक्चर की उसने स्क्रीनशॉट भेजी थी, वहाँ पे दिखा रहे थे 1 सेमी 1,27,000। ऑब्वियसली बात है 1,27,000 दिखा रहे हो, बट उसके बाद तुम्हें डिस्काउंट देंगे वो, अगर तुम्हारी मान के चलो अगर तुम्हारी 10% का डिस्काउंट होता है उसमें किस चीज़ में, अगर तुम्हारे पापा आर्मी में हैं, अगर तुम डोमिसाइल लगाते हैं और स्कॉलरशिप, तीन चार चीज़ों का डिस्काउंट दे देते हैं, तो आपका फी मैं आपको इतना बता दूंगी 1,00,000 रुपये पर सेमेस्टर मान के चलो मोटा मोटा, कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। 8 लाख रुपये तो हमारे कहीं भी नहीं गए BTech में।
भैया 71% में डीम में सीएससी नहीं दे रहे हैं, कैसे होगा एडमिशन, बहुत परेशान हूँ। तो भाई देखो 71% में अगर नहीं मिल रहा है ना तो हिल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हिल की पढ़ाई अच्छी नहीं, देखो मैंने बोला है ये कि मेरा ओपिनियन है कि हिल में मुझको सही नहीं लगा बस। अब तुम्हारा ओपिनियन क्या है? और अब मेरे को मैंने सुना था कल आज जब मैं गया था कॉलेज तो मैंने सुना कि हिल में भी फैकल्टीज़ अच्छी डाल दी हैं। भाई मेरे टाइम पर भाई मेरे को जो लगा था कि मेरे को वो फैकल्टीज़ उस लेवल की नहीं मिली जिस लेवल की मेरे को एम टेक में मिली है। शायद ये भी हो सकता है कि भाई मैंने एम टेक में बी टेक का पढ़ रखा था तो शायद उनका जो बोल रहे थे सर लोग एम टेक वाले सर लोग तो उनको ज़्यादा समझ आया डीम्ड में। ऐसा कुछ नहीं, बाकी मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं, हिल डीम में कोई फ़र्क नहीं है, प्लेसमेंट एक ही छत के नीचे होगी तुम सब लोगों की। ऐसा नहीं होगा कि डीम्ड वालों को पहले कर देंगे हिल वालों को बाद में कर देंगे। बट हाँ एक चीज़ तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, सजेशन दूंगा जब भी प्लेसमेंट हो भाई एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले जाना। ऐसा नहीं कि भाई तू जा तेरे बाद में जाऊँगा, कभी मत कर देना। तुमको ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो पहले जाएगा उसको जॉब मिलेगी याद रखना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं। और जब मैं था ये मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे ना डीम्ड वाले बच्चे ना ज़्यादा आगे रहते हैं इन चीज़ों में, वो ना पहले घुसने की सोचते हैं कि मैं जाऊँ इंटरव्यू, क्योंकि जो तुम्हारा बेसिक जो वाला होता है ना राउंड वाला कोडिंग वाला राउंड होता है जो मतलब वो एप्टीट्यूड वाला राउंड, वो सबका ही क्लियर हो जाता है 95% बच्चों का क्लियर होता है, जिनका नहीं होता वो तो ख़त्म ही समझो तुम, जिनका नहीं होता ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, तो उसमें भाई तुम लोगों को सबसे पहले जाना है, ये समझ लेना जो पहले जाएगा उसकी नौकरी उतनी जल्दी पक्की हो गई। ये मेरी तरफ से सजेशन है क्योंकि मैंने देखा था जो मेरे साथ के बच्चे थे वो बता रहे थे मुझे वहाँ पे कि भाई ऐसा सिनेरियो है। ग्राफिक एरिया का बीटेक सीसी फर्स्ट ईयर बैचेस की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? देखो मैंने बता दिया क्लासेस सितंबर से ही स्टार्ट होंगे तुम लोगों के, और डॉक्यूमेंट वही 10-12 डोमिसाइल आपका आधार कार्ड और दो तीन चीज़ें और मांगेंगे जो तुम्हारी होंगी रिलेटेड ठीक है, वही मांगेंगे यार नॉर्मल चीज़ें हैं ठीक है। ग्राफिक एरिया डीम में बीटेक सीसी एडमिशन लेना वर्थ रहेगा, प्लीज़ गिव मी हॉनेस्ट रिव्यू एंड स्टडी प्लेसमेंट। मनीष कुमार सिंह भाई देखो मैं मेरे को कोई ग्राफिक वालों ने खरीद नहीं रखा, जो मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ तुम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, भाई मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता यहाँ से ठीक है। मैं सिंपली अपने जो 6 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ कि भाई मेरा ग्राफिक वगैरह में क्या सिनेरियो था, मैं कैसे कैसे पढ़ा, मैंने हर चीज़ बताई है। तो भाई देखो वर्थ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा आज ही दोस्त मेरे साथ का दोस्त 14 लाख की प्लेसमेंट लेके जा सकता है ठीक है, वो भी 12th में, उसकी 70% भी नहीं है पूरी, अभी 65-66 है उसने लटकेगी जो 14 लाख का प्लेसमेंट लेकर गया, अभी तुम देख रहे होंगे जिसका पीछे। तो वर्थ है भाई, कोई दिक्कत की नहीं, अगर तुम पढ़ोगे भाई दिल लगा के तो भाई मे बी तुम में से एक मेरा व्यूअर जो 50 लाख की प्लेसमेंट लेके जाएगा आने वाले 4 सालों में। एक ये देवेश देवीदी ने मुझसे पूछा है कि भैया अपने बताया 12th मार्क्स के बारे में, तो क्या 12th मार्क्स मैटर करते प्लेसमेंट के लिए? बिल्कुल करते हैं प्लेसमेंट के लिए मैटर भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि भाई 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे 60% नहीं है 12th में तो भूल जाना कि 90% कंपनी तुम्हें बाहर फेंक देगी 10th और 12th में, वो तुम्हें बाहर फेंक देगी ठीक है, याद रखना। क्योंकि ग्रेजुएशन में 60% तो आ जाती है, बट 10th 12th में बहुत लोगों के कम रहते हैं जिस चक्कर में भाई प्लेसमेंट नहीं होती। क्राइटेरिया क्या रहता है भाई कंपनीज़ का, मैंने तुम्हें बता दिया 60% है 10th 12th और थ्रू आउट ग्रेजुएशन। भाई एडमिशन लेना चाह रहे थे, एक क्वेश्चन है कि बीसीए में कैसा रहेगा? बीसीए सही है, बढ़िया है, यहाँ का बीसीए बहुत प्यारा है भाई, तुम टेंशन मत लेना कि कहीं कोई दिक्कत होगी, आराम से पढ़ोगे तो आराम से सही है। थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ध्यान देना, बीटेक वाले हो चाहे बीसीए वाले हो और कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता है इन फ्यूचर, तो भाई डेटा स्ट्रक्चर इतने स्ट्रॉन्ग रखना, जो मेरा दोस्त टॉपर था उसने भी इनफैक्ट ये बोला डेटा स्ट्रक्चर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी तुम प्लेस्ड हो जाओगे। और एक और चीज़ बोलूँगा कि जो बीसीए और बीटेक या बीबीए कोई भी कोर्स कर रहा है तुम्हारा ना लास्ट फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट का सबमिशन होता है, याद रखना अगर तुम्हारी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डार्क एक नाम का सब्जेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भाई इतना याद रखना कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो कंपनी होगी ना वो तुम्हें उसी के उससे उठाएगी, याद रखना ठीक है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना काम। एक सीनेरियो ये था कि बीटेक सीएस के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, डीम्ड में तो 80 मांग रहे हैं 10-12, हिल में 70 मांग रहे हैं ठीक है, दोनों जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है ठीक है। तो आप लोग देख लेना, बाकी कोर्सेज़ का भी ऐसा ही है कि वहाँ 10% ज़्यादा मांगेंगे या कम मांगेंगे। एक और चीज़ पूछिए ध्रुव अग्रवाल ने कि यूनिफॉर्म नेसेसरी है, बिल्कुल भाई यूनिफॉर्म और आई कार्ड भाई ये दोनों चीज़ बहुत नेसेसरी है अगर तुम क्लास में बैठ रहे हो ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे आ जाते हैं कैजुअल में तो उनको फिर बाहर कर देते हैं। कैजुअल का एक डे होता है, सैटरडे होता है, वेंसडे होता है, कुछ होता है इन दोनों में से, आप वो आपको बता देंगे जब आपका कॉन्वोकेशन होगा। बट बाकी और एक और चीज़ अपना आई कार्ड है ना वो खोना मत ठीक है, क्योंकि आई कार्ड जब खोता तो उसके करीबन 1500 या 500 रुपये कुछ ऐसे लगते हैं चार्जेस अलग से दोबारा बनाने के लिए। और हाँ तुम सोच रहे होंगे कि हम आई कार्ड खो देंगे तो क्या हो गया है ना, हम बिना आई कार्ड के अंदर तो घुस जाओगे क्योंकि तुम ड्रेस में रहोगे, बट पता क्या होगा जब तुम डिग्री लेने वापस कॉलेज जाओगे ना उस टाइम दिक्कत क्या होती है, जब तुम पास आउट हो जाओगे तो वो आई कार्ड मांगते हैं, अगर तुम्हारा तो आई कार्ड नहीं होगा तो तुम्हें दोबारा से आई कार्ड बनाना पड़ेगा अपना, और उसके बाद तुम्हें डिग्री मिलेगी क्योंकि आई कार्ड तुम्हारा वापस सबमिट होगा 4 साल बाद। तो अपना आई कार्ड का विशेष ध्यान रखना, मेरे साथ के कुछ लापरवाह लौंडे थे जिन्होंने खो दिया। भाई ये हिल कहाँ है डीम्ड कहाँ है, दोनों भाई अगल बगल है, हिल मतलब ऐसा है कि
हिल ये है तो डीम्ड इधर है, मतलब एक किलोमीटर के गैप में, बिल्कुल एक किलोमीटर में 500 मीटर के गैप पे दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं पता चल जाएगा। एडमिशन लेने का डायरेक्ट प्रोसीजर बताओ और फीस भी भैया एकदम एक्चुअल बताओ। देखो यार फीस वीस मुझे नहीं पता क्योंकि भाई मैं वहाँ पे काउंसलर नहीं हूँ, जो मैं वहाँ पे बैठा हूँ मेरे उनके पास सब चीज़ होता है रिकॉर्ड, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं 50-60 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर रहती है बी कॉम ऑनर्स की आराम से, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारी 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाती है, वो मैं ट्यूशन फीस, वो एग्जामिनेशन फीस जो भी होती बहुत सारी फीसिस वो इंक्लूड करते हैं। तो इतना मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बाकी आपको वेबसाइट में जो दिख रही है उससे 10% लेस कर लेना, उतनी तो परफेक्ट उतनी हो। डेथ गेमिंग ने पूछा है भैया डीम में बीटेक इन सीएससी में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए मुझे, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला भाई। भाई बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी के लिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बढ़िया है या जीई? भाई देखो मेरे को तो उत्तरांचल का इतना पता नहीं, बट जीईयू अच्छा है, हर चीज़ में अच्छे कर रहे हैं चेयरमैन सर, तो यहाँ भी अच्छा करेंगे, बाकी आप एक बार पता कर ले। PSL प्रोडक्शन ने पूछा आप कौन सी ब्रांच में थे? GHU में, तो मैं GHU में था भाई तुम्हारा, उसमें CS में कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास, 4 साल BTech में कंप्यूटर साइंस किया और 2 साल का MTech भी कंप्यूटर साइंस से ही किया है मैंने ब्रो। GHU देहरादून में BTech के बाद प्लेसमेंट मिल जाती है, आराम से मिलती है भाई। हमारे साथ के लड़के बहुत बैठे हुए, जिनने मेरे साथ के खुद लड़के ऐसे जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुई थी, बाहर जाके भाई इतनी सही सही कंपनियों में लग चुके हैं ना भाई, इतनी सही कंपनी जो कॉलेज में भी नहीं आती भाई। यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोन देती है एंड सॉरी फॉर आस्किंग अगेन आई एम अनेबल टू कॉन्टैक्ट विद यूनिवर्सिटी। तो इनने पूछा कि एजुकेशन लोन मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा एजुकेशन लोन, बट एजुकेशन लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर तुम वो फुलफिल करते हो तभी तुम्हें एजुकेशन लोन देगा बैंक। कॉलेज तो एक्सेप्ट करेगा, कॉलेज को तो बैंक वाले पैसे देंगे, बट बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली बात तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं लगानी, तुम्हारा जब रिजल्ट जाएगा तभी वहाँ से एजुकेशन जो लोन होगी ना वो पास करेगा वो कॉलेज को। और एक और चीज़ होती है एजुकेशन लोन की, हाँ एक और चीज़ ये होती है कि भाई अगर तुम्हारे एजुकेशन लोन मिलता किसको है पहले ये सुन लो, कई लोगों को लगता है कि मैं जाऊँगा मेरे को मिल जाएगा, नहीं। अगर तुम्हारे पास अपनी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये सुन लो, अगर तुम 8 लाख का लोन ले रहे हो तो तुम्हारे पास पहले 8 लाख की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो बैंक उस पेपर को रखेगा, ये समझो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम चले गए बैंक के पास, बैंक कभी भी तुमको देख के लोन नहीं देगा, बैंक जब लोन देगा वो देखेगा तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मतलब जैसे मैं सपोज़ करता हूँ मैंने एजुकेशन लोन लिया 8 लाख का, तो मेरे घर की जो प्रॉपर्टी होगी या मेरे पास कुछ ऐसा 8 लाख का कुछ भी सामान है जो 8 लाख से ऊपर की है तो उनके पेपर्स पहले बैंक वाले रख लेंगे, ऊपर से प्लस तुम्हारी मार्कशीट भी वहाँ जमा हो जाएगी 10th 12th की। तो ये सब चीज़ ये रहती है, आप लोग ध्यान देना। बाकी एजुकेशन लोन मिल जाता है 8 या 9% का कुछ उसमें टैक्स होता है। तो क्यों ना सेक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और भी इसके बाद तुम्हें बहुत सारे डाउट होंगे, कमेंट सेक्शन खुला है और डेली व्लॉग्स देखते रहो क्योंकि डेली व्लॉग्स के बाद मैं Q&A सेक्शन रखता हूँ हर बार तुम लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बंदा इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई कुछ नहीं चलाता, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बट एटलीस्ट अगर जो यहाँ पे मेरे को देख रहा है ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे कर सकता है, बट इंस्टाग्राम पे जाना इतना डिफिकल्ट होता है, कई लोग नहीं जाते और बहुत से लोग चले भी जाते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहते हो कि भाई कोई क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है प्लेसमेंट से रिगार्डिंग कुछ भी, क्योंकि मेरे को 6 साल तो हो ही गए यहाँ पे ना, तो मैं तुम्हें अच्छा गाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई, बाय बाय। तो गाइस आज का व्लॉग मैं एंड करूंगा, मेरा नाम अभिषेक, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देना, लाइक करो सब्सक्राइब करो, आप ठोको लाइक ठोको, और मेरे जानने वाले जितने हैं सबको वीडियो शेयर करूंगा, बढ़िया लाइक कर देना। बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू गाइस, सब्सक्राइब द चैनल भूलना मत, सब्सक्राइब करना चैनल को, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, तो करते हैं ऐसा।